देखिए ओबीसी समाज जो है अभी तक जो है, मैं बहुत दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों में संपन्नता की, बुद्धिमत्ता की और सामाजिक आर्थिक ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक पता नहीं कौन सी बात होती है कि वे जिस समय किसी चीज़ पे लड़ाई होती है वो उस समय सोते रहते थे। मैंने फेसबुक पर लिखा था कि इस समय आपके हकों की लड़ाई चल रही है, आपकी अगर संख्या है तो अच्छे से अच्छे अधिवक्ता करके जो है इसी केस में डिसाइड हो जाता है कि भाई हमारी संख्या जो है ज़्यादा बढ़ गई है, और हमारी जब संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो हमें हमारा रिजर्वेशन जो दिया जाए उसको बढ़ाया जाए। तो इस समय ये लोग सो रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये जजमेंट के बाद उनकी कुंभकर्णी निद्रा टूटेगी। EWS कोटा केस, जीत समझे या हार, आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट वकील के साथ। मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। तमाम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो आज बहुजन समाज के जहन में घूम रहे हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको निधिरतन जी। जी सर, सबसे पहले मेरा सवाल EWS कोटा जो केस है इसको लेकर है कि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था लेकिन बहुजनों के हित में नहीं आया, इस पर आप कैसे बताना चाहेंगे? पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सामने रखिए। देखिए, आपके जो दर्शक लोग हैं बहुत प्रबुद्ध जन हैं जी, और उन्हें कहा जाए कि पढ़े लिखे लोग हैं। उनकी एकदम एग्जैक्ट जानकारी के लिए, जो देश की मीडिया नहीं बता रही है इस नेशनल दस्तक चैनल के माध्यम से, आप सहयोगियों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि इशू क्या था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। उसको समझने के लिए मैं ये जरूरी समझता हूँ कि हम पढ़ते हैं कि क्या है। भारतीय संसद द्वारा जो है संविधान के में 103वां संशोधन किया गया, जिसमें जो है 14 जनवरी 2019 को वो लाया गया। इस संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। उस संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण उन्हें शैक्षिक संस्थानों और सर्विस में दिया गया। इस संशोधन को अग्रिम पार्टी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया। यह मूल रूप से आपका केस यह है। सर, जिस तरीके से EWS कोटे के केस को 5 सवर्ण वकीलों की जो बेंच बनाई गई, जजों की जो बेंच बनाई गई, क्या एक तरीके घोटाले की ओर इशारा तो नहीं? देखिए निधि रतन जी, आप जो जिन शब्दों का प्रयोग कर रही हैं जी, मैं ऑफिसर आप कोर्ट होने के नाते वो शब्द का उपयोग तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 और 3 के अनुपात में जो जजमेंट दिया गया है वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में दिया गया है। अब यह जो दस्तावेज आज प्रस्तुत किया गया है, जिसको 399 पेज का ये एक बहुत भारी भरकम जजमेंट है, आपके लैपटॉप पे आपको समय मिले कभी तो आप पढ़ेंगी तो ये देखेंगी कि इस केस में संविधान सभा से लेकर और अब तक के जितने भी केस रिजर्वेशन से संबंधित, सर्विस से संबंधित, इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो केस हैं सबका उसका साइटेशन उसमें दिया गया है। उन लोगों में किन किन बातों पर क्या क्या कहा गया है वो आपका, चूंकि समय बहुत, चैनल का एक लिमिट समय होता है, मैं कभी एक लंबे डिबेट में आऊँगा तो उसको केसवार मैं बताने का प्रयास करूँगा। इंदिरा साहनी है, नागराज है, जयप्रकाश का है, एवार के पेपर जो दिया गया उसमें सारे केसेस उसमें आ रही हैं। कहने का अर्थ है कि यह जिस प्रकार से जजमेंट दिया गया है आज के डिजिटल युग में, निधि रतन जी आप अभी बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रही हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आज जो हमारे लिए हार का हथियार है कल वह जीत का हथियार बनेगा। क्योंकि इस केस में रिजर्वेशन से संबंधित एसटी ओबीसी
सुनील ट्राइब से संबंधित जितने केसेस हैं एक ही किताब में, एक ही जजमेंट में उसकी समरी ला दी गई है। आने वाले समय में जब समाज के प्रबुद्ध लोग इस पर रिसर्च करेंगे, इस पर काम करेंगे, तो कहीं न कहीं इसी से अपने समाज वर्ग के हित की लड़ाई को मजबूत करने का यही जजमेंट हथियार बनेगा। जिस तरीके से ईडब्ल्यू कोटा की अगर हम बात करें सर, तो आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का रवैया रहा, या ये कह सकते कि जजों का क्या स्टेटमेंट आया? देखिए, जजों का जो स्टेटमेंट इस कोर्ट में था, जो है जज साहब लोग माने जो 3 सदस्यीय खंडपीठ थी उसके द्वारा डिटरमाइन किए गए इशू को ही जवाब दे रहे थे, और जिसमें हमारे जो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल साहब थे, माननीय कोर्ट के समक्ष जो बिंदु रखे थे 4, मैं उसको अंग्रेजी में एज इट इज पढ़ देना चाहता हूँ, उसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि हमारे समाज के लोग समझ सके कि केंद्र सरकार का EWS केस पर क्या उनका भाव था। उसका भाव अटॉर्नी जनरल के ने क्या कहा वो एज इट इज में पढ़ा, इसमें किसी तरह के मेरे तरफ से कोई शब्द नहीं जुड़ गए। वेदर द 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैन बी सेट टू ब्रीच अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इंक्लूडिंग रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। उसका दूसरा बिंदु था वेदर द 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी सेट टू ब्रीच अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई परमिटिंग द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिशन टू प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अब जो निजी संस्थाएं हैं उसमें भी अमेंडमेंट की बात इस केस में कही गई है। तीसरी बात कहे थे माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने वेदर द 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड कैन बी सेट टू ब्रीच अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्सक्लूडिंग द SEBC, OBC, ST फ्रॉम स्कोप ऑफ EWS रिजर्वेशन। वेदर द कैप ऑफ 100% रिफर टू द अर्लियर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इफ सो कैन द 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बी ब्रीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन चारों प्रश्नों का मतलब यह है कि यह जो अमेंडमेंट किया गया है भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा कॉन्स्टिट्यूशन सभा द्वारा बनाई गई मूल ढांचा का वायलेशन है। इस जो इंक्लूड किया जाता है वो रिजर्वेशन पॉलिसी के विपरीत है कि नहीं विपरीत है, मैं समझता हूँ कि आप उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हमारे प्रबुद्ध साथी उसको समझ सकते हैं। ये प्रश्न माननीय 5 सदस्यीय खंडपीठ के सामने था, जिसका उत्तर अपने उन्होंने जजमेंट के 4 जजमेंट के द्वारा दिया गया। 4 जजमेंट में जो पारित किया गया, अलग अलग जजमेंट जो है जस्टिस बेलायम त्रिवेदी, दिनेश माहेश्वरी और JB पादरी वाला ने दिया, और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने भी दिया, उसको सपोर्ट किए जस्टिस यू ललित जो आज ही रिटायर हो रहे हैं, आज के मुख्यमंत्री थे, कल से जो है मुख्यमंत्री, सॉरी मैंने आज ही मुख्य न्यायमूर्ति थे और आज से ही वो पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति भारत सरकार हो जाएंगे। लेकिन सर जैसे EWS कोटा है वो मुझे लगता है आर्थिक उन्मूलन के लिए नहीं बनाया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन के दूर करने के लिए आरक्षण बनाया। देखिए, जो आपके मन में और दर्शकों के मन में प्रश्न उठ रहे हैं जी, कि ये हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया, हमारे जितने संख्या के अनुपात में होना चाहिए जी। इसमें इस जजमेंट के दौरान हमने सुना है कि बाबा साहब के विचार को, स्वामी विवेकानंद के विचार जी को, अरविंदो के विचार को, देश में सामाजिक आर्थिक लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के विचारों को भी इसमें लिखा गया है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो पक्ष के अधिवक्ता लोग रहे हों EWS के अगेंस्ट वाले थे या EWS के पक्ष वाले थे। EWS के अगेंस्ट वाले ने बहुत से इलुस्ट्रेशन माननीय कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए हैं, जिसके आधार पर माननीय कोर्ट ने उनके अपफिटमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके लाइफ में सुधार करने के लिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि हम सबका साथ सबका विकास करने की सोच रहे हैं, तो उसमें जो लोग पिछड़ गए हैं, अब ये एक बहुत बड़ा एकेडमिक डिबेट शुरू हो गया है कि अब तो 50% रिजर्वेशन वाली की जो लिमिट थी वो तो हट गई, तो आगे क्या होगा, तो ये फर्दर लीगल
लड़ाई के लिए जो है एक जजमेंट रास्ता दिखा रहा है। अगर EWS का जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया, इससे ST/ST OBC माइनॉरिटीज़ के रिजर्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, आपके रिजर्वेशन पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन एक कहने का मतलब है कि लोगों के बीच में ये संशय हो जाता है कि हमारे भाग का रिजर्वेशन ये इन्हों दिया जाएगा। अब ये राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे बहुत ही विजिलेंट रहें, पारदर्शी रहें कि ST शेड्यूल ट्राइब और OBC के लोगों का जो रिजर्वेशन है उनकी जनसंख्या के अनुपात में अगर वो बढ़ाते हैं तब तो ये कहा जाए कि भाई सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है, सबका साथ सबका विकास चाहती है। अब बिना हमारे लोगों को OBC की संख्या इसमें ज़्यादा बढ़ती जा रही है जी। तो उसका अगर ये बढ़ा देते हैं तो हम समझते हैं तो हमारा कोई इस पर ये कह सकते हैं कि मतलब जिस तरीके से आपकी बातों से मैं जितना समझ पा रही हूँ कि इसका फ्यूचर में OBC समाज को फ़ायदा हो सकता है। देखिए, OBC समाज जो है अभी तक जो है, मैं बहुत दुख के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों में संपन्नता की, बुद्धिमत्ता की और सामाजिक आर्थिक ज्ञान की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक पता नहीं कौन सी बात होती है कि वे जिस समय किसी चीज़ पे लड़ाई होती है वो उस समय सोते रहते थे। मैंने फेसबुक पर लिखा था कि इस समय आपके हकों की लड़ाई चल रही है, आपकी अगर संख्या है तो अच्छे से अच्छे अधिवक्ता करके जो है इसी केस में डिसाइड हो जाता है कि भाई हमारी संख्या जो है ज़्यादा बढ़ गई है, और हमारी जब संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो हमें हमारा रिजर्वेशन जो दिया जाए उसको बढ़ाया जाए। तो इस समय ये लोग सो रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये जजमेंट के बाद उनकी कुंभकर्णी निद्रा टूटेगी और लोग जो है इससे सचेत होकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जस्टिस का क्या रिस्पांस रहा, किस तरीके का रिस्पांस था? आप देखिए, माननीय कोर्ट का रिस्पांस, उनके समझ जो ब्लैक एंड वाइट में रहता है उसको वो पढ़ते हैं जी। और कानून के दायरे में अगर फिट होता है, वो भारत के संविधान के अनुच्छेदों के विपरीत नहीं है, उसका उल्लंघन नहीं करता है, और जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जजों द्वारा, बड़ी पीठों द्वारा न्याय निर्णय दिए गए हैं उसी के आधार पे अपना जुडिशियल माइल अप्लाई करके जो है ये कोर्ट देते हैं। कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता है। माननीय न्यायालय जब कोई किसी केस पर न्याय निर्णय देती है तो वो अपने जो फ्री विल होते हैं, स्वतंत्र इच्छा पे और जुडिशियल माइंड से जजमेंट लोगों के हित में देते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नेशनल दस्तक को और विशेष रूप से निधि रतन को कि इतना गंभीर संवैधानिक प्रश्न पे इतने गूढ़ और अंदर तक जाकर प्रश्न पूछने के लिए। मैं समझता हूँ कि हमारा समाज बहुत तेज़ी से जो है, जो आप पत्रकार बंधु लोग भी हैं वे प्रश्न अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरह के प्रश्न होने चाहिए ताकि आम जनता को इस बात का पता चल सके कि देश की सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च संसद में हमारे हित के और अहित की किन किन बातों को होती है। नेशनल दस्तक के सभी टीम, कैमरामैन साथी जो है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, मेरा आपकी इस बात से एक और सवाल मेरे जहन में आया कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी स्टेटमेंट आता है उस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए, उसको एक तरीके का लक्ष्मण रेखा समझ लेना चाहिए, लेकिन जो सवाल जो जहन में आते हैं उसको तो करना चाहिए। देखिए, सवाल आपका जहन में अब जरूर आएगा जी। माननीय कोर्ट ने आज ही, जस्टिस यू ललित ने सेरेमोनी हो गई है कि जितने भी महत्वपूर्ण केसेज होंगे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो हमारे ये अध्ययन के लिए, लोगों की जानकारी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस डिजिटल युग में माननीय कोर्ट का जो डिजिटल व्यू है वो लोगों तक, आम जनता तक, आज दिल्ली में बैठा हूँ और आप ये समझ सकते हैं कि अगर इसको लिंक दे दिया जाए तो मेरे आजमगढ़ का जो सबसे पिछड़ा गांव है, ग्राम चंगईपुर, उसमें भी बैठ कर आदमी माननीय देश के सबसे बड़े बड़े अधिवक्ता और देश के सबसे बड़े जजों के ओपिनियन को, आर्गुमेंट को, क्वेश्चन आंसर को सुन सकते हैं। मैं समझता हूं कि विज्ञान के द्वारा, तकनीकी का प्रयोग करके न्याय व्यवस्था में बहुत त्वरित सुधार हो रहा है। इसके लिए वैज्ञानिक वर्ग के लोगों को, मैं विधि का छात्र होने के नाते भी मैं वैज्ञानिक वर्ग के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से जो ज्ञान पहले कुछ लोगों के
घरों के कोठरियों के दीवारों किताबों में संचित था, वह आप झोपड़ी में बैठे हुए जिसके पास केवल एक मोबाइल है, वो देश दुनिया की सबसे अच्छी कोर्ट की बातें सुन रहा है। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव, तमाम उस मुद्दे पे बात की जो आप लोगों के जहन में है, मेरे जहन में है, और STSC माइनॉरिटी समाज के हर एक उस व्यक्ति के जहन में है जो थोड़ा बहुत जागरूक है। लेकिन गौरव यादव ने एक बात कही कि अब समाज को जागना होगा, कुंभकर्ण की नींद नहीं सोनी होगी, क्योंकि आज जो हो रहा है हमारे आसपास वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की सोने की वजह से हो रहा है। अगर आज आपने एकजुट होकर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं किया तो आने वाले भविष्य में आपका बच्चा स्कूल कॉलेज के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जब आप बोलना ही नहीं सीखेंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो आप आरक्षण लेके क्या करेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।